दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं सीएसएस की। सीएसएस हमारा एक कैस्केडिंग स्टाइल सीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज है। और इसमें हम डिजाइनिंग में एक पैटर्न होता है जो सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को, उसको फिर स्टाइल देते हैं, उसका डिजाइनिंग करते हैं, कलर करते हैं और उसके मार्जिन सेट करते हैं, पैडिंग सेट करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखिएगा सीएसएस जो हमारा एक लैंग्वेज है, जो हम एचटीएमएल को हम डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग करते हैं। और इस पर हम देखते हैं इसमें जो एग्जांपल हमारा उसी तरह होता है एचटीएमएल की तरह, उसमें बस इसमें यह रहता है कि हम स्टाइल टैग लगा देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हम एक्सटर्नल इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस हमारा सीएसएस तीन प्रकार का होता है, इसमें इंटरनल इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। और सीएसएस में सिलेक्टर क्या होता है देखते हैं। तो सिलेक्टर देखते हैं कि हमारा एक बॉडी हो गया, उस बॉडी में हम जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे हमारा हेड वन हो गया, हेड टू हो गया, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम उसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं और जो उसको रंग कैसा रखना है, कलर क्या रहेगा वो रहेगा, उसकी वैल्यू दे देते हैं इसी। और सीएसएस सेलेक्टर जैसे यहाँ पर टैग का नाम लिख देते हैं, तो टैग का नाम हमारा हो गया यहाँ पर हेड वन हो गया, उसका कलर हम देकर जैसे जो प्रॉपर्टी होती है वो कलर, और फिर उसका हम वैल्यू दे देते हैं, उसका हम वैल्यू दे देते हैं रेड, जैसे रेड दिए ब्लू दिए, उसका वो हमारा वो आउटपुट दे देता है। और क्लास एंट्रीब्यूट, देखिए क्लास एंट्रीब्यूट जो मतलब जिसे हम क्लास में देते हैं आईडी देते हैं, वो होता है क्या कहते हैं आईडी होता है, क्लास होता है, उस क्लास को हम सेलेक्ट कर उसकी हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि उसकी क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, मार्जिन क्या होगा, इस प्रकार से करते हैं। उसी में होता है एलिमेंट टैग होता है, एलिमेंट आईडी होता है, आईडी होता है, उसका हम विड्थ देते हैं, बोल्ड रखना कैसा है, विड्थ वेथ वो फॉन्ट विड्थ रख देते हैं, बोल्ड रहेगा या क्या कहते हैं कलर कैसा रहेगा, फॉन्ट में साइज रहेगा, लार्ज रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ऐसे ही हम दे देते हैं। और एक सूडो सेलेक्टर होता है, अब सूडो सेलेक्टर भी देख लेते हैं। सूडो सेलेक्टर जैसे कि हम दो टैग को हम एक ही में कर लेते हैं, जैसे एच वन हो गया हमारा, इसी में हम बता देते हैं यही पर, एच वन हो गया और एच टू दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, एक साथ, जैसे इसमें दिखा है पैराग्राफ वन और एंकर टैग दोनों को एक ही साथ सेलेक्ट दिया, और उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया गया येल्लो, येल्लो दे दिया गया, यानी ये पीला हो जाएगा भी, उसी परिस्थिति में होता है। लिंक होता है ऐसे ही, ऐसे उसमें मतलब बिहेवियर उसका मतलब चेंज कर देते हैं, एक ही मतलब एक ही सेलेक्टर मतलब एक ही लाइन पे लिखकर, उसको देखेंगे आगे चलेगा प्लान में।